रुको जोगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम त्राटक का अभ्यास करेंगे। त्राटक आंखों की शुद्धि क्रिया है। आपकी आईसाइट इम्प्रूव होती है, फोकस और कंसंट्रेशन बेटर होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। और अगर आप मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो त्राटक का अभ्यास आपको मेडिटेशन करने में सहायता करता है। आज हम कैंडल पर त्राटक का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको कुछ पूर्व तैयारी करनी है। आप दिए पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैंने यह स्टैंड लिया है, आप कोई भी छोटा सा स्टूल ले सकते हैं। जमीन पर बैठकर नहीं कर सकते हैं तो टेबल और कुर्सी पर बैठकर करें। स्टूल और कैंडल की हाइट इस प्रकार से एडजस्ट करनी है कि वह आपके आंखों या आपके चेहरे के लेवल में हो, आपके और कैंडल के बीच में 2 से 2.5 फुट या 1 हाथ का फासला रखें। स्पेक्स पहने हैं तो स्पेक्स निकाल लेने हैं। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा कर लें, फैन भी बंद करना है, ज्योति हिलनी नहीं चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें, हाथों की एक विशिष्ट मुद्रा प्राण मुद्रा बनाकर रखें। लास्ट दो फिंगर्स को अंगूठे के टिप से मिलाकर रखें। मुद्रा को घुटनों पर रखें। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। एक और सांस लें, शरीर के साथ साथ मन को भी रिलैक्स कर दें। पार्ट्स में त्राटक का अभ्यास करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ज्योति के अलग अलग हिस्सों पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि पलके ना झपके, अगर झपकती भी है तो भी कोई बात नहीं। आंखों में आंसू आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आते हैं तो भी अच्छा। सबसे पहले इस ज्योति के सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, गोल्डन पार्ट। और इसे देखने के साथ साथ अपना ध्यान अपनी सांसों पर भी केंद्रित करके रखें। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसी पार्ट को देखते हुए अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा की छवि को देखने का प्रयास करें और महसूस करें उस परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं बरस रही हैं। आप पहले से बेहतर और बेहतर हो रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। अब हम थर्ड पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ब्लैक पार्ट। इस धागे के आसपास ध्यान केंद्रित करके रखें और इस ब्लैक पार्ट को देखते हुए यह भाव रखें कि जिस प्रकार इस अंधेरे के आसपास एक गोल्डन लाइट जल रही है, जीवन में जब भी कभी अंधेरे
विश्वास रखें कि इस अंधेरे के आसपास कोई ना कोई गोल्डन लाइट जरूर है। अपनी सांसों से भी जुड़े रहें। अब हम फोर्थ पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बेस में हल्की ब्लू कलर की लाइट है, उसे देखें। इसी ब्लू कलर की लाइट को देखते हुए देखें उस परमात्मा की रचना को, जिसने इस छोटी सी ज्योति में इतने सारे रंग भर दिए हैं। कुदरत की हर रचना में रंग हैं। अब हम लास्ट पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इस ज्योति का ऑरा, इसका घेरा। त्राटक के अभ्यास से आपका ऑरा भी पॉजिटिव और गोल्डन हो रहा है। महसूस करें किस प्रकार से यह ज्योति छोटी और छोटी होती जा रही है और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही है। अब इसी अवस्था में टोटल डार्कनेस, गहरा काला अंधेरा विजुलाइज करें। आपको ब्राउन या ब्लू कलर दिख सकता है, बट फोर्सफुली विजुलाइज करना है टोटल डार्कनेस। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा आपका, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट आपकी आंखों पर होगा। धीरे से हाथ हटाएं, उंगलियों से आंखों को सहलाएं, ग्रेटिट्यूड का भाव लाए मन में अपनी आंखों के प्रति और उस परमात्मा के प्रति। अब इसके बाद आपको किसी टैप के नजदीक जाना है, मुंह में पानी भरना है और आंखों पे छींटे मारने हैं, तो वहीं पर आपका त्राटक का अभ्यास खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।